मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले दौर में एक स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ खुश करें। दिलचस्प, मैंने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकती हूँ। चूंकि आइसक्रीम ठंडी होती है, इसका मतलब है कि हम बर्फ के बिना नहीं कर सकते। हमें इसे ब्लेंडर में डालना होगा और इसे अच्छी तरह से काटना होगा। जैस, मुझे लगता है कि तुम ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, कॉलर के पीछे आइस क्यूब तुम्हारे लिए सजा होगी। ऐसा क्यों किया? कितना भयानक! बचाओ, ये ठंडा है। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ कि गिरना भी उपयोगी था। मुझे ढक्कन मिला तो अब मैं सुरक्षित रूप से बर्फ को और पीस सकती हूँ। तैयार। अब इस बर्फ को एक कप में डालने की जरूरत है, जिससे मेरी फ्यूचर आइसक्रीम खाने में सुविधाजनक होगी। लेकिन इतना ही नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात बर्फ पर स्वादिष्ट सोडा डालना है। मैंने दो प्रकार के फैंटा को चुना है। यह मेरे मास्टरपीस को सही स्वाद देगी, है ना? अच्छा, यह किस तरह की आइसक्रीम है? यह सिर्फ सोडा के साथ बर्फ है। आह, यहाँ मेरी जादुई मशीन ने असली बेरी आइसक्रीम को लगभग बना लिया है। इसके बाद हमें एक मोल्ड लेना होगा और ध्यान से इसे आइसक्रीम से भरना होगा। हाँ, फिर मुझे एक असली आइसक्रीम केक मिलेगा, है ना? यह अच्छा, देखो इस तरह से लगाया। अब एक स्पेशल स्पैचुला की मदद से सब अच्छे से मिला लेना है, ताकि ये और भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से। अब मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, ताकि ये थोड़ा और जम जाए। या कुछ खास होगा, देखना। ओह, ये कैसी आवाज है? तुम लोग कितने बोरिंग हो। हाँ, मेरे पास तुम सभी के आइसक्रीम की तुलना में बेरीज काटने का बहुत दिलचस्प तरीका है। हो गया, मुझे अब आरे की जरूरत नहीं है। बेरीज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अब आगे दूध और गमी कीड़े का उपयोग किया जाएगा। इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे। और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और अब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मेरी आइसक्रीम को ठंडा करने का समय है। तड़ाम, मेरा केक भी तैयार है, या कहें लगभग तैयार। अब इसे मल्टीलेयर्ड बनाना है, फिर यह एक असली महल की तरह दिखेगा। हाँ, देखो, है ना अच्छा? और कुछ वफल कोन क्यों नहीं जोड़ते? बस इधर देखो, एक असली अवैध किला बन गया है। और मैं अपनी आइसक्रीम को खोपड़ी के आकार के एक बहुत ही अच्छे कप में परोसूंगी। मुझे लगता है कि अद्भुत लग रहा है। हाँ, देखो। लेकिन इस शेफ का महल भी कूल है। मैं नहीं चाहती कि वह जीते। हमें इसे थोड़ा झटका देना होगा। छोटा डायनामाइट इसे अच्छे से करेगा। चलो, अब मैं अपने आइसक्रीम पर जाती हूँ। देखो, ये एकदम असली की तरह लग रहा है, और साथ ही मुझे बहुत स्वादिष्ट मस्तिष्क मिला। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूँ। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम महल नहीं देखा। मुझे जल्द से जल्द इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैं इसे आखिरी के लिए छोड़ देती हूँ। मैं पहले दूसरी आइसक्रीम से निपटूंगी। जेस ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? छी, ये ऐसा जैसे किसी ने पानी में फैंटा को मिला दिया है। बेकार। अब वेंसडे की आइसक्रीम को ट्राई करने का समय है। यह सच में अच्छा लग रहा है। वाह, गमी कीड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वाद भी ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन जीत का मुख्य दावेदार आगे है। इस आइसक्रीम महल को चखने का समय है। हाँ, कितना सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं हर कोन खाना चाहती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये बम कहाँ से आ गया? छुपो। वाह, क्या था? मेरा बेचारा केक। मेरी योजना काम कर गई। अरे नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी। इस दौर में विनर वेंसडे है, मुबारक हो। दूसरे दौर में आप में से प्रत्येक मेरे लिए पिज्जा बनाएंगे। दिलचस्प।
हालांकि मैंने कभी पिज्जा नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होऊंगी। उफ़, तैयार डो बहुत कड़ा है। मैं कैंडिस से दुनिया का पहला पिज्जा बनाऊंगी। सोफी को कैंडिस पसंद है, इसलिए मेरे पास जीतने का हर मौका है। सबसे पहले मुझे मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। मैं इसे हेयर ड्रायर से करूंगी। तैयार, अब पॉपकॉर्न सीधे मार्शमेलो में जाता है। यह मिक्सचर अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमें बस इसे अच्छी तरह मिलाना है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, यह तैयार है। बहुत बढ़िया। पिज्जा का बेस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, यह किस तरह का कटा हुआ हाथ है? यह सिर्फ एक हाथ नहीं है, यह थिंग है। थिंग मुझे अपने पिज्जा के लिए आटा मिलाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो कितना संघर्ष कर रहा है। थिंग सिर्फ इतना है कि थिंग को अभी बहुत अनुभव नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई है, यह पिज्जा पकाने का समय है। हमें डो से पैनकेक बनाने की जरूरत है। फिर इस पर टमाटर का पेस्ट फैलाएं। इसके बाद चीज का उपयोग कुछ प्यारा ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ, इस तरह से। लेकिन इतना ही नहीं है, ऑलिव्स के बिना कैसे काम चलेगा? चलो मैं इसे स्पाइडर के शेप में डालती हूँ। लड़कियों, मैं अपने पूरे कुकिंग लाइफ में पिज्जा ही बना रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरे पिज्जा का बेस रंगीन चीज होगा, तो वह पहले से ही तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक सुंदर होगा। ओह हाँ, देखो कितना बढ़िया। लेकिन मैं अपने पिज्जा को एक फ्लेम थ्रोवर के साथ बेक करूंगी। चलो चलते हैं। हो गया। किसने इस पागल लड़की को किचन में एक फ्लेम थ्रोवर लाने की इजाजत दी है? यह किसी बुरे सपने की तरह है। हालांकि अब मेरा पिज्जा भी तैयार है, फिर मुझे वेंसडे को धन्यवाद देना होगा। क्या आपके पिज्जा तैयार हो गए? इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने पिज्जा में दूसरे कैंडीज भी डालनी होंगी, जैसे कि थोड़े न्यूट्रेला, गमी भालू और जाहिर है स्कीटल्स कैंडीज। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? यह चुनने का समय है कि हमें से कौन जीतेगा। वाओ, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं जैस के मीठे पिज्जा से। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ, इसे अपने हाथों से खाना उतना सुविधाजनक नहीं है, पर स्वादिष्ट है यह, बहुत मीठा। चलो देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वो पिज्जा को डरावना नहीं बना पाई है। यह क्या है? ऑलिव्स? उफ, मुझे इसे नफरत है। मुझे माफ करो वेंडी, लेकिन मैं ऑलिव्स के साथ पिज्जा पसंद नहीं कर सकती। यह एकदम बेकार है। अब शेफ सैमा के पिज्जा को ट्राई करना बचा है। मुझे आशा है कि वो मुझे खुश करेगा। हाँ, स्वादिष्ट। मुझे चीज बहुत पसंद है, खासकर जब यह रंगीन और बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वाह, देखो यह कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेची। हाँ, और मैंने कहा था यह सबसे अच्छा पिज्जा है। वाह, मैंने कहा था मैं पिज्जा बनाने में मास्टर हूँ। धन्यवाद। आखिरी दौर में मेरे लिए एक मीठा कपकेक तैयार करो। हाँ, यह किया जाएगा। जेस, क्या तुम फोन को दूर रख सकती हो? वह नहीं सुन रही है। चलो एक और तरीका आजमाएं। ओह, फोन को दूर रखो अभी। अब ठीक है, यह एक कपकेक बनाने का समय है। यह आसान है। मैं सोफी के लिए एक मग में बिल्कुल अलग सा केक बनाऊंगी। इसके लिए इसमें कोको और थोड़ा आटा डालेंगे। हाँ, ऐसे। फिर कच्चे अंडे और थोड़ी चीनी और सोडा भी डालेंगे। हाँ, यह सामान्य शब्द में कहें तो एक मग में हमें डो तैयार करना है। बेशक हम यह दूध के बिना नहीं कर सकते। अब इस सबको अच्छे से मिक्सचर की मदद से मिलाना होगा। हाँ, अच्छे से। अब मेरे फ्यूचर कपकेक को मिलाने और माइक्रोवेव में डालने का समय है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, इन दिनों कपकेक बनाना कितना आसान है। सब कुछ सीधे टेबल पर किया जा सकता है। ओ, मेरा अब तैयार है।
वाओ, कितना अच्छा। बेस यहाँ है, आगे यह क्रीम और M&M कैंडी का समय है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी इस तरह से। हाँ, इतना काफी होगा। और अब M&M कैंडी, देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं सच में खुश हूँ। मुझे लगता है सोफी को भी यह पसंद आएगा। अरे, कौन इस तरह दस्तक दे रहा है? वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ओरियो कुकीज को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो टुकड़े जो मेरे कपकेक का बेस बन जाएगा। हाँ, यह तैयार है, लेकिन हम सिर्फ इससे कपकेक नहीं बना सकते हैं। हमें किसी प्रकार की चिपकने वाली सामग्री की जरूरत होगी। चॉकलेट सिरप एकदम सही है। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए और छोटे कपकेक तैयार किया जाना चाहिए। तैयार। मुझे लगता है कि सोफी इसे पसंद करेगी। वेंसडे, यह बहुत बोरिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें असली कपकेक बनाना नहीं आता, यह अच्छा नहीं है। और मेरा लगभग तैयार है, हमें बस उन्हें ओवन में रखना है। हाँ, बस यही बचा है। बढ़िया, अब मेरे फ्यूचर कपकेक के लिए स्टैंड बनाना बचा है। वे अलग अलग तरह के कैंडी से भरे ग्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैंडी कभी ज्यादा नहीं होती है। जरा देखो, रंग बिरंगी कैंडीज कितनी सुंदर दिखती है। इसे देखकर ही खाने का मन होने लगेगा। और अब क्रीम का समय है। और कपकेक पर चेहरे क्यों नहीं बनाते? उनके साथ कपकेक और भी प्यारा और सुंदर हो जाएगा। यह कितना मीठा खाना है। यहाँ मेरा कपकेक एक कब्र के रूप में होगा, जिसमें से एक ज़ॉम्बी दिखाई देने वाला है। मेरी राय में यह एक शानदार आइडिया है। जरा देखो क्या कितना अच्छा बना है, मानो ये एक हॉरर फिल्म का सीन हो। अब बस ऊपर से थोड़े केवल चॉकलेट चिप्स को छिड़कना बचा है। बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है। किंग, यहाँ आओ अभी। यह क्या है? एक कटा हुआ हाथ। कितना डरावना है। ओह नहीं, मेरे बेचारे कपकेक, अब मैं क्या करूं? थिंग, एक कपकेक स्टैंड के रूप में तुम सबसे सही रहोगे। और तुम शेफ, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ ठीक करने का समय होगा। रुको, इधर, यहाँ, यहाँ, यहाँ भी रख दिया। यहाँ देखो, सब ठीक है, सब ठीक हो गया। रुको, मैं कपकेक को ट्राई करना चाहती हूँ। चलो, उन्हें मुझे दो। दिलचस्प। सैम, तुमने इस बार अच्छा नहीं बनाया। यह ऐसी कुछ बेकार सी चीज है। वेंजे ने फिर से कुछ भयानक किया है। मैंने पहले कभी कब्रों के रूप में कपकेक नहीं देखे हैं, लेकिन यह स्वीकार करने लायक है कि यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? एक कटा हाथ, कितना भयानक है। और उसने इस कपकेक को छुआ, घिनौना। जैस, एकमात्र आशा तुमसे है। एक मग में तुम्हारा कपकेक वास्तव में अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। हाँ हाँ, लाजवाब। जैस, तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। वाह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। बेबी मार्गो, तुम क्या चाहती हो? और तुमने वॉफल ड्रॉ किया है, क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक, आटा यहाँ यह निश्चित रूप से हर जगह है, और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो, अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है। और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ, यह रहा। हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है।
क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? ओ, यहाँ कोई है? आह, ओ ठीक है, वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अब माइलिस छोटे आग को बुझा देगी। घबरा मत। हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है, केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है, मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो एक खाकर देखती हूँ। ये अच्छा है, मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। ये जहरीले तो नहीं है, और मैंने इसे खाकर भी देखा। यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं? रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। हाँ, यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। उसके पास कोई मौका नहीं है। थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओ, मिस्टर शेफ मिस्टर गिगलर बन गए हैं। या क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओह, मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओ नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है। आ, या क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आँखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है? वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। ग्लास अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं। एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को यह जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है, हमें इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है थिंग? लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्कशेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है। जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदे। अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थिंग, फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है, तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्कशेक सजा चुका हूँ। कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है।
वाह, वेंसडे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्क शेक है और मैं क्या करूँ? यह सही है, यह मेरा फ्रिज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला और देखो मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह, और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े और साथ ही स्प्राइट और फैंटा। यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है ना, यह अच्छा। चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया, और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है, हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा, मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी, भयानक। वाह, क्या ये एक चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह, यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वह इसके अलावा मीठा सजावट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और, मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो पीती हूँ। ओह, शुगर रश हो गया। ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ, यह सबसे अच्छा है। तुम और क्या चाहती हो? वाओ, यह जैम के साथ टोस्ट, ये तो बहुत आसान है। एक पेशेवर के रूप में मैं तैयार ब्रेड पकाने या खाने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह सिर्फ आर्टिफिशियल है, यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं खुद ब्रेड बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे मेरी माँ ने दिया था और उसे उसकी माँ ने, और ऐसे ही यह चलते गया। मैं अपनी छोटी मार्गो को नियमित ब्रेड नहीं परोस सकता। वो एक विशेष लड़की है, इसलिए उसके लिए एक अनोखी इंद्रधनुषी ब्रेड है। सब कुछ मिलाएं जब तक ये पूरी तरह से रंगीन ना हो जाए। आटा रोल करना है और सभी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना बाकी है। हम अपने मीठे इंद्रधनुष बन को मोड़ते हैं और केवल बेक करना बच गया है। क्या आप पहले से ही ताजी ब्रेड की इस अद्भुत सुगंध का अनुमान लगा रहे हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। हम इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल अपनी तकनीक में खाना बनाती हूँ। मेरे गॉथिक टोस्टर को देखो, इसमें मैं इस साधारण दुर्भाग्य से गॉथिक ब्रेड नहीं डालूंगी। इसे भूरा रंग का हो जाना चाहिए ताकि यह क्रिस्पी हो जाए। थिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा टोस्टर तोड़ दिया? या रही, मेरा टोस्टर पूरी तरह से काम करता है। मुझे आग पसंद है, लेकिन दूसरे इससे घबराते हैं। बेबी मार्गो जैम चाहती थी, लेकिन वह तीखे टबैस्को सॉस के बारे में कैसा महसूस करती है? मुझे लगता है कि अगर उसका मुंह थोड़ा गर्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरा ब्रेड तैयार है। मैं इसे खुद खाने से रोक रहा हूँ, लेकिन यह स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काटते हैं। वाह, बढ़िया। यह थोड़ा अलग है, कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। वाह, अब इसकी बात अलग है। बिल्कुल सही। ऊपर व्हिप्ड क्रीम डालते हैं और फिलिंग के लिए सभी फल और बेरीज भी डाल देंगे। वाह, क्या बढ़िया मीठा सैंडविच है। कलिनरी मास्टरपीस के लिए मेरा नोबेल प्राइज कहाँ है? और मैं ब्रेड के भूरे होने का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह हो गया। हुर्रे, ये बहुत सुंदर है। यह अच्छा है कि जला नहीं। मैंने बहुत सावधानी से इसका पालन किया था। मैं बहुत अच्छी हूँ। और न्यूटेला के बिना टोस्ट कैसे हो सकता है? मीठा चॉकलेट न्यूटेला। मैं पहले से ही मार्गो से जल रही हूँ, मैं रोक नहीं सकती। यह उंगलियाँ चाटने लायक है, ये कितना स्वादिष्ट है। ओह, यह अटक गया। वेंसडे, मेरी मदद करो। बेशक, केवल बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो थिंग के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। चलो, अरे नहीं नहीं मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे पास गमी रिबन है। हाँ, हमें उन्हें टोस्ट पर रखना होगा। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। चलो इसे थोड़ा गर्म करते हैं ताकि ये पिघल जाए। अरे, मेरे टोस्ट कहाँ है? क्या हर कोई तैयार है?
बढ़िया बात, नहीं तो मार्गो गुस्सा हो जाती। जल्दी ट्राई करो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह दिख रहा है और इसकी फीलिंग बहुत सुंदर है। चलो मैं यह खा कर देखती हूँ। थोड़ा सूखा है लेकिन चलेगा। और हमारे पास यह क्या है? वाओ, स्कल पर ठीक लग रहा है। ये वेंसडे का है। अरे अजीब, अरे नहीं, मिर्च तीखा, बहुत तीखा। यह वह नहीं था जो मैं चाहती थी। ओह, और यहाँ क्या है? शायद कुछ सुपर स्वादिष्ट। ये बहुत अच्छा होगा, चलो खा कर देखती हूँ। वाह, यह एकदम सही है और स्वाद सिर्फ एक डेलिकेसी है। यह रेनबो टोस्ट जीतता है। वाह, शेफ जीत गया, प्लीज मेरी बधाई स्वीकार करो। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कड़ाही और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाए। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह माफ करना, यह एक और संकेत है कि यह कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। इसके बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ाम, कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट, यह ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ। और बर पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख और पी देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट, यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है, यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल,
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में चौगुना स्वादिष्ट हो गया। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, यह साधारण बर्गर की तरह है। और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर ये सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। तड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वह जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो।